स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज मैं सबसे बड़ी खबर लेके आ चुका हूँ महिला भर्ती के बारे में लड़कियों के लिए। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है और साथ में जितनी भी लड़कियां सपना देख रही थी डिफेंस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। तो लड़कियों के लिए क्लास 10th पास गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी कॉन्स्टेबल की भर्ती आ चुकी है SSC के अंतर्गत। तो इस भर्ती की आज हम आपको सारी जानकारी देंगे, जो SSC GD की ऑनलाइन भी लिंक आ चुकी है यानी इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है और इसमें पोस्ट 40,000 के आसपास है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है लड़कियों की भर्ती है वो 40,000 के आसपास है, इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। सैलरी आपकी स्टार्ट होती है 21,700 से लेके 59,100 मतलब 70,000 तक जाती है आपकी सैलरी पर मंथ की सैलरी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस भर्ती की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वो भी हिंदी में। तो 2 से 3 या 4 मिनट में आपको मैं A to Z आपको जितना भी आपके दिमाग में सवाल है सभी सवालों का जवाब, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखती हैं तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है दुकान पे जाके, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल मेडिकल एग्जाम, सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो सिर्फ आप 2 से 3 मिनट हमारे साथ बने रहिए ताकि इस भर्ती की आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा होगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन बनेगा उस पर भी दबा दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगी तो सारी भर्ती की आपको अपडेट मिलेगी और साथ ही साथ हर एक भर्ती का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और हमारा यही टारगेट है सभी लोगों को भर्ती कराना, ठीक है, बराबर रूप से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं इस भर्ती के बारे में और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट यानी सभी लड़कियों का 1 रुपये भी नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ के चलते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है SSC GD कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021। इसके अंतर्गत कितनी पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है CAFS, ठीक है, NIA, SSF, राइफलमैन जीडी इन आसाम, राइफलमैन एग्जामिनेशन 2020। ये 4-5 आप पोस्ट देख रहे हैं, इसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों की भर्ती है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग डेट आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि स्टार्टिंग डेट इसकी 25 मार्च 2021 बताया गया है, 1-2 दिन के अंदर ये स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट आप यहाँ देख सकते हैं 10 मई 2021। अभी ऑनलाइन लिंक खुला नहीं है, ऑनलाइन लिंक आज शाम तक खुल जाएगा जहाँ तक मुझे आशा और उम्मीद है, ठीक है, आज शाम तक खुल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट फीस पेमेंट डेट है 10 मई। हाँ, अब लड़कियों को इसका फॉर्म, लड़के अगर हैं तो उनको 100 रुपये देना पड़ रहा है फॉर्म भरने के लिए, अगर लड़कियां हैं तो इनको नो फीस यानी 1 रुपये भी नहीं लग रहा है, ऑल कैटेगरी फीमेल का 1 रुपये भी नहीं है। अभी मैं आगे एलिजिबिलिटी, हाइट, पढ़ाई, लंबाई सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग बने रहेंगे तो सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था, A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, अब आगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा पेमेंट वो तो दुकान वाला आपका फॉर्म भरेगा तो इससे से मतलब नहीं है। एडमिट कार्ड डाउनलोड जुलाई में हो सके तो होगा और एग्जाम हो सके तो अगस्त सितंबर में जाएगा, ठीक है, तो एग्जाम तक तो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे एज लिमिट, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ये जो भर्ती है ना वो ऑल ओवर इंडिया सभी लड़कियों के लिए है। कितनी लड़कियों का सवाल होता है, सर मेरे लिए ये भर्ती है कि नहीं है, सर क्या मैं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ, तो ये ऑल ओवर इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, 2800 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से आप कहीं से भी बिलोंग करती हैं या करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज इसका क्या है, उम्र 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 साल छूट भी इंक्लूड है, तो 23-26-27 साल तक अगर आप हैं, 18 से 26-27 साल के बीच में हैं, SC ST में आते हैं तो और 1-2 साल की छूट मिल जाती है, यानी कुल मिला के 18 से 25 या 27 साल के बीच में आप हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे जानकारी दे देता हूं, सबसे बड़ी जानकारी, ठीक है, पोस्ट का नाम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पोस्ट का नाम मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने अभी आप लोग को एलिजिबिलिटी बताया, पोस्ट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं GD NIA SFS आसाम राइफल, ठीक है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 21,700 से 59,000 तक रहेगी, ठीक है। एजुकेशन में सिर्फ कैंडिडेट को 10 पास होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, मात्र उसे क्लास 10th पास होना अनिवार्य है और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलिए हाइट पे बात कर लेते हैं, हाइट पे बात कर लेते हैं। हाइट का मतलब होता है लंबाई, यानी आपको कितना लंबा होना चाहिए, ठीक है। हाइट में मेल की बात कर लेते हैं, पहले लड़कों की बात कर लेते हैं।
लेते हैं। लड़कों में जो भी ओबीसी एससी एसटी में आते हैं 1.70 सेंटीमीटर हाइट, और मेल यानी लड़कों में एसटी की हाइट 1.62.5 सेंटीमीटर। वही लड़कियों की बात कर लेते हैं तो लड़कियां जो जनरल एसटी नहीं जनरल एससी ओबीसी में आती हैं उनका 157 हाइट सेंटीमीटर चाहिए। अगर वही लड़की एसटी है तो उसे मात्र 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, उससे ज्यादा हाइट नहीं चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेन का चेस्ट यानी लड़कों का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। मेल में लड़कों का एसटी में देख लें तो उसमें चेस्ट 76 चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। लेकिन लड़कियों का यहाँ फीमेल का चेस्ट नहीं मेजरमेंट किया जाता है, यानी लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेल का, और ये भी बताएंगे पहले एग्जाम होता है फिर पहले एग्जाम होगा फिर फिजिकल टेस्ट होगा फिर आपका मेडिकल होगा फिर आपका सिलेक्शन होता है, जो रिजल्ट वगैरह आता है, मतलब एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट जारी होता है उसी के बाद आपको उस सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। अगर लड़का है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ेगा, लड़की है तो 100 मीटर 8 मिनट में या 8.5 मिनट में दौड़ेगी, 8.5 मिनट में दौड़ेगी। इसका फॉर्म ऑनलाइन आप कर लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ये चारों चीज लगेगा। लड़कियां कंफ्यूज हो जाते हैं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये चारों डॉक्यूमेंट याद कर लो। ठीक है, चलिए लास्ट डेट 10 में ये मैंने सबमिट करने का बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नीचे आपको जानकारी दे देता हूँ और इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा होगा। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे बैठना है, कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक सवाल रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, आपको सेलेक्ट करके ऑप्शन देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा हिंदी इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप एग्जाम अटेंड कर सकती हो। उसके बाद पीएसई और पीईटी होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको दौड़ वगैरह जो भी है और बॉडी का मेंटेनेंस वो सब, एक नॉर्मल बॉडी आपकी होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्वस्थ शरीर इंसान का। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद तो आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे अप्लाई का लिंक आप देख सकते हैं, जो लिंक एक्टिवेट होने वाली थी 25 मार्च को, अब तक एक्टिवेट नहीं हुई है। एक्टिवेट होते ही मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। तो इसकी सभी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा उसको दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। देखिए आज मैंने आपको क्या बताया कि ये कांस्टेबल की भर्ती है, ये 40,000 पोस्ट है, इसका फॉर्म आप दुकान पे जाके भरो, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो, उसके बाद इसका एग्जाम दो, फिजिकल निकालो, दौड़ निकालो, मेडिकल निकालो, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। तो इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग को मैं अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट में करो कि सर मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो अगले वीडियो में क्वेश्चन पेपर पे बना के डाल दूंगा। ठीक है, और यहां तक आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता है कि अब एक भी ऐसी बात होगी जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको लगता है कि एक भी बात ऐसी है जो मैं नहीं बताया हूं, तो मुझे फटाक से इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और वहां पे पूछ लो। इंस्टाग्राम का आईडी नोट कर लो, RAKESH RAKESH SY2 SY2, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, सर्च करोगे मेरा फोटो आ जाएगा, वहीं पे मैसेज करके फॉलो कर लोगे तो वहाँ पे भी पर्सनली पूछना हो तो पूछ सकती हो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो इसमें वीडियो में मैंने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन वहाँ पे कर लोगे तो बहुत सारे फायदे हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन आती है रैली की तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर भर्ती की जानकारी घर बैठे बैठे आपको मिलती रहे।